सलमान खान इस वजह से बदलना चाहते थे फिल्म का क्लाइमेक्स। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में आज भी होते हैं। दोस्तों, किसी इवेंट में, अवार्ड शो या फिर कहीं भी अगर ये दोनों आमने सामने होते हैं तो सुर्खियां अपने आप बन जाती है। ये दोनों साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम में जब एक साथ नजर आए तो दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ ऑफ स्क्रीन लव स्टोरी ने भी फैंस के दिलों में जगह बनाई थी। दोस्तों, यह फिल्म उस वक्त की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी और रिपोर्ट की माने तो इन दोनों के बीच उस वक्त प्यार मोहब्बत की कहानी भी शुरू हो चुकी थी। सलमान खान को फिल्म हम दिल दे चुके सनम का एंड पसंद नहीं था और वह इस फिल्म के क्लाइमेक्स को ही बदलना चाहते थे। तो चलिए आपको बताते हैं यह दिलचस्प किस्सा। फिल्म हम दिल दे चुके सनम सलमान खान और ऐश्वर्या राय के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है। फिल्म 90 के दशक की हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म में समीर नंदनी का किरदार निभाने वाले सलमान खान ऐश्वर्या राय के बीच अफेयर की खबरें भी उस वक्त सुर्खियों में थी। रिपोर्ट की माने तो ये दोनों फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोस्तों, सलमान खान पर ऐश्वर्या राय के प्यार का जुनून इस कदर सवार था कि वह फिल्म में भी ऐश्वर्या राय को किसी और के करीब जाता हुआ नहीं देखना चाहते थे। दोस्तों, फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि ऐश्वर्या राय को कैसे मिला नंदिनी का रोल, यानी नंदिनी सलमान खान यानी समीर से प्यार करती थी, लेकिन कहानी के हिसाब से आखिरी में वह सलमान खान को छोड़कर अजय देवगन को चुनती है। लेकिन सलमान खान चाहते थे कि फिल्म का एंड ऐसा हो जिसमें ऐश्वर्या राय अपने प्यार यानी सलमान खान के पास वापस आए। इसके लिए उन्होंने संजय लीला भंसाली से बात भी की थी, हालांकि संजय लीला भंसाली इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। दोस्तों, इस फिल्म के गाने सुपरहिट हुए थे। जब संजय लीला भंसाली ने के की आवाज़ में तरफ तरफ का गाना सुना था तब वो रोने लगे थे। उन्होंने इस गाने को 9 बार सुना था। इस फिल्म के ने पहली बार गाना गाया था। फिल्म के बाकी गाने भी आज तक लोगों के जुबान पर है। इस गाने पर सलमान खान ऐश्वर्या राय का रोमांस भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म हम दिल दे चुके सनम आपको कितनी पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।